नमस्कार, कन्याल न्यूज़ AWPL में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी पिथौरागढ़ में पधार चुके हैं। उनका भव्य स्वागत यहाँ पर हो रहा है और ढोल नगाड़ों के साथ भी उनका स्वागत हुआ। तो आप लोग बने रहिए, काफ़ी भीड़ उमड़ के आई है पिथौरागढ़ शहर में और भिन्न भिन्न हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के और भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया गया। तो आप लोग ज़रूर देखें और आगे भी आपको सारी वीडियो दिखाई जाएगी, लाइव दिखाया जाएगा। मैं नेता लक्ष्मण सिंह गोपालपुर संगठन से 550 साल हो गए, हम इंतजार कर रहे थे कि राम मंदिर कब बनेगा। राम मंदिर आपको भी इंतजार होता होगा, आगे राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा या कब बनेगा। अभी राम मंदिर बन गया है और उसी पक्ष में जो है भजन है, उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। बन गया मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। बन गया मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। जाकर हम भी सेवा करेंगे, जाकर हम भी सेवा करेंगे, करेंगे जैसी राम। बन गया मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। बन गया मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। मंदिर बन गया स्वर्ग से सुंदर, सब सितारे आए हैं। मंदिर बन गया स्वर्ग से सुंदर, सब सितारे आए हैं। सूर्यवंश के राम लला है, देव पकड़ कर आए हैं। सूर्यवंश के राम लला है, देव पकड़ कर आए हैं। कलयुग में देखा का नजारा, कलयुग में देखा का नजारा, ऐसा भावन धाम। बन गया मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। एक बार अगर आप लोगों की ताली मेरे सामने बज जाए तो अच्छा है। ओ बन गया मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। बन गया मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। पाँच बरस की बालक की वहाँ भर रही छवि निराली है। पाँच बरस की बालक की वहाँ भर रही छवि निराली है। माघ मास में प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर होने वाली है। हमारे जो बाघ महीने होते हैं, बाघ महीने में सबसे पवित्र महीना माघ का माना जाता है। माघ मास में प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर होने वाली है। जाकर हम भी दर्ज करेंगे, जाकर हम भी दर्ज करेंगे, कहेंगे जैसी राम। बन गया मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। बन गया मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। देवियों सज्जनों, आज पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन है जो एक अलग ही अपनी छाप छोड़ रखी है और पूर्व सैनिक अपने लिए पूरी सैनिकों के लिए मान सम्मान के लिए, सैनिकों के मान सम्मान के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, उनके सहारे के लिए ये पूर्व सैनिक संगठन यहाँ पर काम कर रहा है। ये गाना भगवान राम जी के साथ साथ पूर्व सैनिकों की समर्पित है। बरसों के बाद सिया राम जी अयोध्या आने वाले हैं। बरसों के बाद सिया राम जी अयोध्या आने वाले हैं। राम लखन लाल के संग में हनुमत सेवा करने वाले हैं। लखन लाल के संग में हनुमत सेवा करने वाले हैं। सामने उनकी भीड़ पड़ी है, सामने उनकी भीड़ पड़ी है, हो गई कैसी राम। बन गया मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। बन गया मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम। भवन की उस पावन धरती को हम भी शीश झुकाएंगे। भवन की उस पावन धरती को हम भी शीश झुकाएंगे। नाचेंगे गाएंगे हम भी राम भजन सब गाएंगे। नाचेंगे गाएंगे हम भी राम भजन हम गाएंगे। धरती बनी है स्वर्ग जहाँ पर, धरती बनी है स्वर्ग जहाँ पर, ऐसा सुंदर था। बन
यहाँ पर पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और जल्द शुरू होगी हवाई सेवाएं स्वीकृति मिलते ही, और मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ पर जल्दी ही बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, और सारे आंवला घाट परियोजना भी के बारे में, फेज टू के बारे में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जल्दी ही शुरू किया जाएगा, और इसके अलावा कई योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर हुआ, और इसके अलावा कई स्टॉल यहाँ पर लगे हुए थे जो हमारी कुमाऊनी रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ की कल्चर, यहाँ का वेशभूषा कई प्रकार से यहाँ पर पिरूल द्वारा बनाए गए और भूतपूर्व सैनिकों द्वारा यहाँ पर कई हथकरघा उद्योग जो बनाए गए थे उन्होंने उनका निरीक्षण किया और काफ़ी सराहना की, और मुख्यमंत्री जी हर व्यक्ति से मिलना चाह रहे थे। एक अच्छा स्वभाव उनका है क्योंकि ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री जी, तो उनका स्वभाव अपने आप में खुद दर्शाता है कि उनका स्वभाव कितना अच्छा है, वो हमारी संस्कृति को कितना चाहते हैं, और उनका मेन मुद्दा है कि इस संस्कृति को, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को इसी प्रकार आगे बढ़ाया जाए। तो अब मुख्यमंत्री जी अपने अन्य अन्य स्टॉलों की ओर। स्टेट बैंक द्वारा पिरूल का जो है, देखो हम जो पिरूल को जो बिल्कुल बेकार समझते हैं, उस पिरूल का यहाँ पर कलाकारों ने, धारचुला मंचारी के कलाकारों ने जो इतना बढ़िया सजाकर है पिरूल का, इस प्रकार का बर्तन बना रखे। अभी मुख्यमंत्री जी इन्हीं जो है बर्तनों को अभी यहाँ पर चेक करने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। अभी श्रीमान मुख्यमंत्री धामी जी एक स्टॉल से दूसरी स्टॉल की ओर आते हुए और यहाँ पर पिरूल से बने हुए इतने अच्छे निर्मित इन चीजों को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं धामी जी। पिरूलों का जो बना, बहुत ही अच्छा पिरूलों का जो बना हुआ है, और इसको हर स्टॉल में जाकर वो जो है बहुत अच्छी चीजों को यहाँ पर बहुत अच्छी ढंग से जो है चीजों को देखा, हर आदमी को अटेंड कर रहे हैं, व्यवहार के वाकई में बहुत ही कुशल पूर्व है। मांस दाल डालने वाली जो चक्की होती है उस चक्की में जो है दाल डल रहे हैं, सब्जी दाने को घुमाइए, दाने साहब दाने दाने घड़ी के सुलटे रूप घड़ी के सुलटे रूप घड़ी के सुलटे इस प्रकार से जो है दाल पीस रहे हैं। देवेर सज्जनो हम लोगों को बुलाया था वहाँ पर एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पर बहुत सारे यहाँ पर संगठन थे लेकिन किसी को भी वहाँ पर जो है मिलने नहीं दिया, और इस संगठन में देखो इतनी ताकत है, इस टोपी में इतनी ताकत है, इस मेडल में इतनी ताकत है। सीएम साहब ने बोला यार एक बार पूर्व सैनिक संगठन को बुलाओ करके, और केवल पूर्व सैनिक संगठन को वहाँ पर बुला के हमारा ज्ञापन लिया, और हमारे 3 पॉइंट थे जो कि मतलब यहाँ के लोग यहाँ के हितों के लिए जुड़े थे, पिथौरागढ़ की जनता के हितों के लिए जुड़े थे। एक तो यहाँ पर सैनिक विश्राम गृह, यहाँ के जो आवाडी हैं उनको जो है एक जगह मिले उनको वहाँ पर, और साथ ही जो है
अग्निवीर भर्ती में जो 6 सब्जेक्ट है उसके आधार पर लड़के भर्ती नहीं हो पा रहे, तो वो लड़के वहाँ पर भर्ती हो जाए उसमें समस्या उसका समाधान, और साथ ही जो है एक जनमिलन केंद्र, और शहीदों को देखो भैया, शहीदों को सबसे बड़ी चीज थी जो शहीद हो जाते हैं 5 दिन में 6 दिन में जो घर आ पा रहे हैं 100, और उतने दिन तक उनके घर में जो है चूल्हा नहीं जलता है, बड़ी दुख होता है। पिछले दिन ही पंकज कन्याल जी के वहाँ पर हम लोग गए थे, और 6-5 दिन में जो है उनका शव घर पहुँचा, उनके छोटे छोटे बच्चों को यार हम लोगों ने जो है खाना खिलाया, और परिवार वाले चाह कर भी भूख भी लगी होगी तो तब भी वो खाना नहीं खा सकते थे क्योंकि शव घर में पहुँचा ही नहीं था। तो दोस्तों ये पॉइंट हमने जो है पूरे पिथौरागढ़ के जो जनपद के जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनके हितों को देखते हैं, यहाँ के लोगों के यहाँ की जनता के हितों को देखते हैं मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचाए हैं। साहब जो है प्रूफ के लिए अभी जो है हम फोटो भेजेंगे साहब, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके साहब, बहुत 5-6 दिन लगते हैं इनकी बॉडी को, अगर एयरलिफ्ट इनको हो जाए तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हुई होगी इस एज के लिए। और तीसरा ऐसा भी एक अग्निवीर का है, इसमें क्या हो रहा है कि जो भी आदमी उसमें जाता है उसमें हमारे क्या होता है कि यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड में 6 विषय होते हैं, एक होता है वैकल्पिक, उसमें उत्तराखंड जो ये शिक्षा परिषद बोलता है कि ये 6ठा विषय के अंक इंक्लूड नहीं होंगे, सेना बोलती है हम पूरे अंकों को लेंगे,